एल्युमिनियम है ये सारे कंपनियों में जाते हैं, इनको पिघला के जो भी एल्युमिनियम के मटेरियल्स बनाने हैं, जैसे एल्युमिनियम के जो भी बनते होंगे, एल्युमिनियम के से वैसे ही जाता है, एल्युमिनियम का तार बनता है जहाँ पे वहाँ भी जाता है, और भी एक दो नए क्लाइंट के पास जाता है। इसके बारे में हमें नहीं पता है, क्लाइंट को पता है, हमें इसके बारे में कुछ ज़्यादा नॉलेज है नहीं, हमें इसके बारे में पता है। और आपको ये भी मैं हर एक डेली ब्लॉग में आपको बताता हूँ कि इसका ये कहाँ जाता है, इसका प्लास्टिक का जहाँ जहाँ प्लास्टिक बनते हैं, प्लास्टिक के थैला बनते हैं, प्लास्टिक और भी मटेरियल बनते हैं वहाँ पे जाता है। ये मैं इसकी बात नहीं कर रहा, और भी इसमें बहुत सारे अलग अलग ग्रेड के मटेरियल हैं वो भी जाते हैं। तो ये देखिए जी, ये हमारा रेजिन पाउडर, नॉटन ये जाएगा, नॉटन ये जाएगा, दोनों दो मटेरियल जाएगा इसमें अलग अलग। और ये देख लीजिए हमारा हाइड्रा एल्युमिनियम उठा के गाड़ी में लोड कर रहा है। सो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज है बुधवार, सुबह के 10 बज रहे हैं। आज के काम की बात करें तो आज 60 से 70 टन का इस जो हमारा क्लाइंट है ना, इसका लोडिंग का प्लान है। और जो हमारा एल्युमिनियम वाला क्लाइंट है ना, इसका आज 3 से 4 गाड़ियां, और यही मटेरियल देख लीजिए, ये मटेरियल नहीं है, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का पत्थर है। देखने में अजीब सा लग रहा होगा लेकिन ये एल्युमिनियम का पत्थर है और ये प्लास्टिक दाना है। तो इसका आज 60 से 70 टन का, और इसका भी आज लोडिंग का प्लान, मतलब आज मोटा मोटी मान कर चले कि आज बहुत सारा काम है। और अभी इसकी 3 गाड़ी है जो हमारा क्लाइंट है ना, इसकी 3 गाड़ी आई हुई हैं, जिसमें 2 गाड़ियों में, एक में 16 टन और एक में 18 टन पीवीसी पाउडर लोड होगा, याद रखिएगा पीवीसी पाउडर लोड होगा। और एक गाड़ी आई हुई है जिसमें जाएगा 5 से 6 टन ये वाला मटेरियल दाना जाएगा। और भी गाड़ी आएंगी जिनमें ये दाना जाएगा, लेकिन अभी वो गाड़ी आई नहीं है, आएंगी जैसे तो उनका लोडिंग भी कराएंगे हम लोग। तो अभी तक तो हमने गाड़ी का नंबर खींच के भेज दिया है, गाड़ी का नंबर हमें फोटो लेके सर को भेजना होता है, वहाँ से गाड़ी की कंफर्मेशन होता है, फिर हम गाड़ी में लोड करते हैं। अभी तक गाड़ी का कोई लोडिंग का प्लान आया नहीं हुआ है, इसलिए अभी लोड हम लोग नहीं कर रहे हैं। अभी गाड़ियाँ सारी बाहर खड़ी हुई हैं और चलते हैं, कुछ काम हमारा पेंडिंग बचा हुआ है, पेंडिंग काम को जल्दी से ख़त्म कर लेते हैं। जैसे ही गाड़ी का लोडिंग आएगा मैं आपको लोडिंग दिखाऊंगा। और हाँ, मैं आपको बता देता हूँ, जो हमारा प्लास्टिक का दाना है ना, वो जाता है प्लास्टिक कंपनी में, जहाँ पे प्लास्टिक के थैले बनते हैं, प्लास्टिक के और भी मटेरियल्स जो भी बनते हैं, वो इनमें मशीनों, इन दानों को मशीन में डाल के प्रोसेस करके बनाया जाता है। और जो हमारा पीवीसी रेजिन पाउडर है ना, उनको बनाया जाता है, क्या बोलते हैं, पीवीसी पाउडर में गलती से मैं बोल रहा हूँ, माफ़ करिएगा, पीवीसी के क्या बोलते हैं पाइप, पीवीसी पाइप जो बनते हैं ना, वो मशीन, वो पाउडर को मशीन में प्रोसेस करके बनाया जाता है। और ये जो हमारा है ना, क्या बोलते हैं, इसका एल्युमिनियम वाला हमारा क्लाइंट है, ये जाता है एल्युमिनियम कंपनी में, वहाँ पे जहाँ पे एल्युमिनियम का तार बनते हैं। अभी फ़िलहाल और भी बनते होंगे एल्युमिनियम के प्रोडक्ट्स, मुझे जहाँ तक पता है ये जाता है बस एल्युमिनियम के जहाँ पे तार बनता है ना, उस कंपनी में जाता है, पिघला के इसको ना पिघलाया जाता है मशीनों में, हीट करके इसको पिघलाया जाता है, उसके बाद एल्युमिनियम का तार बनाया जाता है। और बहुत सारा प्रोसेस होता है, उतना ज़्यादा हमें पता नहीं है क्योंकि हम कभी देखा नहीं है, मोटा मोटे जो हम सर से पूछते हैं वो बताते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। तो देख लीजिए, ये है, यही वाला मटेरियल जाएगा, और भी बहुत सारे एल्युमिनियम है मेरे पीछे, वो भी देख लीजिए, पत्थर है जो बड़ा वो बहुत भारी है, वो भी एल्युमिनियम ही है, ये भी एल्युमिनियम, बहुत सारे एल्युमिनियम भी, एल्युमिनियम में भी अलग अलग ग्रेड के हैं। और ये हमारा मटेरियल ना उड़ीसा से आता है, मैं आपको बता दूं, उड़ीसा, याद रखिएगा, मैं एवरी डे अपने ब्लॉग में आपको बताता हूँ कि क्या बोलते हैं, हमारा प्लास्टिक दाना, पीवीसी पाउडर और एल्युमिनियम का क्या यूज है, कहाँ बनता है, मैं आपको एवरी डे बताता हूँ और आज भी मैं बता रहा हूँ। तो चलते हैं, जैसे गाड़ियों का लोडिंग का प्लान आता है आपको लोडिंग हम दिखाएंगे। और हाँ, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो ये देख लीजिए जी, मेरे ऑफिस का सारा कैंपस एरिया देख लीजिए, ये है, और ये है 16 टन वाली गाड़ी जिसमें रेजिन जाएगा, और ये 18 टन वाली गाड़ी जिसमें रेजिन जाएगा। इसका प्लान आ गया है, रेजिन का 18 टन लोडिंग होगा, तो इसका चलते हैं, जल्दी से लोडिंग स्टार्ट करवाते हैं। इसमें 16 टन जाएगा मटेरियल, लेकिन इसका शाम को लोडिंग है, तो इसका कोई टेंशन नहीं है हमको। और ये हमारी पाउडर वाली गाड़ी, सॉरी दाना वाली, जिसमें दाना लोड होगा, इसका प्लान भी नहीं है, यह है, जैसा ही आएगा इसमें भी लोड करवाएंगे। तो चलते हैं जल्दी से, इसमें 18 टन रेजिन लोड करवाते हैं, 720 बैग, उसके बाद जैसे ही कोई प्लान आएगा दोनों में से किसी भी गाड़ी का, उसका लोडिंग करवाएंगे। तो ये देख लीजिए ट्रक का कंडीशन, ट्रक का डाला का कंडीशन कैसे है, पूरा ऊबड़ खाबड़ है। तभी ड्राइवर साहब से बोले हैं त्रिपाल बिछाने के लिए, पूरा त्रिपाल बिछा लेंगे, उसके बाद लोडिंग स्टार्ट करेंगे हम लोग। पूरा का पूरा डाला खराब है इनका। तो फाइनली हमारा इधर 18 टन का रेजिन पाउडर देख लीजिए लोड हो गया है, गाड़ी ओके हो गई है, बस ड्राइवर साहब गाड़ी को बांध रहे हैं, उसके बाद गाड़ी को कागज़ देकर हम लोग छोड़ देंगे। हमारा मटेरियल देख लीजिए वही वाला था, कागज़ वाला रेजिन है, और ये मटेरियल जाएगा हमारा रांची।
तो ना देख लीजिए, ये वाला कल वाला जो बैग है जो कम पड़ रहा था हमारा 22 बैग, इसका ऑर्डर आ गया। कल ही हम लोग इसका वेट वोट सब किए थे, जो फटा हुआ बैग था सारा हम लोग इसका रिपोर्ट बना कर सर को भेजे थे। तो आज आज इसका ना आ गया है ऑर्डर, ये सारा का सारा बिक जाएगा। तो ये जो फटे हुए हैं ना सारा का सिलाई करने, देखिए सिलाई मशीन वहीं पर खड़ी है। तो चलते हैं जल्दी से सारे एक एक करके सारे बैग को सिलाई करते हैं, और कुछ बैग ना रिपेयर करवा। देख लीजिए थैला भी वहाँ पर रखा हुआ है, उस थैले के अंदर इस बैग को डाल के उसका भी सिलाई करना है। तो चलते हैं जल्दी से एक एक करके ख़त्म करते हैं और आपको दिखाते भी हैं। तो अभी शाम के 5 बज गए और अभी तक टोटल काम की बात करें तो सुबह से हमने प्लास्टिक दाना का एक 18 टन का और एक 5 टन का और एक 4 टन का और एक 2 टन का लोडिंग किया हुआ है। और अभी जो जस्ट अभी हमारा जो दुर्गापुर वाला गाड़ी था जिसको मैं सुबह बोल रहा था उसमें शाम का उसका लोडिंग होगा, तो अभी जस्ट उसका ना 18 टन का लोडिंग का प्लान आ गया है। गाड़ी भी लोडिंग पॉइंट पर लगवा दिया, चलते हैं उसमें 18 टन रेजिन लोड करवाएंगे। तो ये देखिए जी, ये हमारा रेजिन पाउडर 9 टन ये जाएगा, 9 टन ये जाएगा, दोनों दो मटेरियल जाएगा इसमें अलग अलग। और इधर ये देख लीजिए हमारा हाइड्रा एलुमिनियम उठा के गाड़ी में लोड कर रहा है, और इधर हमारा 18 टन का लोडिंग स्टार्ट हो गया, देख सकते हैं गाड़ी भी लग गई है। तो चलते हैं इसमें लोड करवाते हैं मटेरियल जल्दी से। तो शाम के 7 बज चुके हैं और अब जाके हमारा सारा काम खत्म हुआ है। 18 टन वाली जो गाड़ी थी उसमें ज़्यादा टाइम लग गया लोडिंग कराने में, क्योंकि 18 टन मटेरियल है और भी दूर से मटेरियल खींच खींच के लेके आना था, इसलिए लोडिंग में टाइम लग रहा था। आगे तो मटेरियल आपको मैंने दिखाया था दूसरा वाला, वो तो लोड करना ही था, लेकिन उसमें का मटेरियल बहुत पुराने ओल्ड स्टॉक थे, वो आगे रखे हुए थे, पीछे रखे हुए थे सॉरी, तो वो उधर पायलट पर से खींच के ले जाके लोड करने में बहुत टाइम लग रहा था। और ये जो हमारा एलुमिनियम वाला क्लाइंट है ना, उसकी भी ये गाड़ी फंस गई थी एन मौके पे ही, वो भी कहीं ख़राब हो गई थी, इसलिए उसको भी लोडिंग कराने में बहुत टाइम लग गया, इसलिए थोड़ा और भी डिले हो गया। देख लीजिए मेरे पीछे इसका पूरा मटेरियल खाली हो गया पूरा, ये देख लीजिए इतना सारा, यहाँ से लेके जहाँ पे ये मटेरियल रखा हुआ है वहाँ से लेके जहाँ तक पूरा भर गया था मेरा ये वेयर हाउस, लेकिन अब जाकर पूरा खाली हो गया है। तो चलते हैं अपना जो पेंडिंग काम है ख़त्म करते हैं, उसके बाद हम चलेंगे अपने घर, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो गया है। तो आज के इस ब्लॉग को करते हैं ख़त्म और मिलेंगे आपसे कल एक नए ब्लॉग में। बाय, गुड नाइट।